हेलो दोस्तों, ज्योति आर्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 3D ड्राइंग को या 3D शेड को कैसे समझेंगे और कैसे हम लोग शेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है या बॉल है या एप्पल है, मतलब जितनी भी चीज़ें सर्कल शेप में हैं, गोल हैं, उसको शेड कैसे करेंगे। और शेड करने से पहले शेड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बिगनर्स हैं या ड्राइंग सीखना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, ड्राइंग समझना चाहते हैं, या फिर आप BFA या MFA या NID NIFT की तैयारी कर रहे हों, तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि 3D शेप को ड्राइंग कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये रहा सर्कल, और आप देखिए कि ये पूरी तरह गोल और 3D फॉर्म में दिख रहा है। एक तरफ लाइट छोड़ते हैं और एक तरफ डार्क छोड़ते हैं, और जो लाइट वाला पार्ट है उसको लाइट में रखते हैं। जैसे मान लीजिए रोशनी राइट साइड में आ रही है, तो डार्क टू लाइट कैसे करते हैं, जिधर से लाइट आ रही है उधर ज़्यादा लाइट छोड़ते हैं, और जिधर से रोशनी नहीं पहुंच रही है, जिधर रोशनी नहीं पहुंच रही है वहाँ पे डार्क करते हैं, और ये डार्क टू लाइट इस तरफ करते हैं, डार्क टू लाइट यानी कि जिधर रोशनी नहीं आ रही लेकिन फिर भी उसका रिफ्लेक्शन तो ज़रूर दिखेगा। अब इसी सर्कल शेप से अब देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई है। एक ये देखिए, अब उसी सर्कल पर हमारी दूसरी ड्राइंग भी फिट हो जा रही है। इसका मतलब है कि जो हमने शेड दिया है वो एकदम परफेक्ट है। पहली चीज़ बन गई पॉट, दूसरा ये पोमग्रेनेट, ये हमारी दूसरी चीज़ है। यानी उसी सर्कल पे हर चीज़ फिट हो जा रही है। कैसे, अब ये देखिए, ये है प्याज ओनियन, ये हमारा, ये हमारी तीसरी ड्राइंग है। तो चलिए और भी देखिए, और ये रही अपनी नेक्स्ट ड्राइंग। आप देखिए कैसे शेड सब में मर्ज हो जा रहा है सिर्फ एक सर्कल की सहायता से। यानी हमारी ये चौथी ड्राइंग है, और देखिए ये देखिए, मतलब सर्कल एक शेप अनेक। अब देखिए एप्पल भी आ गया इसमें, ये देखिए, मतलब आप लोगों के लिए ये पांचवी चीज है। ये पांचवी चीज है, पांचवी नहीं छठी चीज है, ये छठी चीज थी। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये मॉडल तैयार किया हुआ है, खुद ड्राइंग किया और शेडिंग किया, ताकि आप लोग जो बिगनर्स लोग हैं वो बड़ी आसानी से इसको समझ पाएं। और हाँ, ये वीडियो औरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि मेरा मानना है कि 90% लोग शेड गलत देते हैं, ड्राइंग की समझ नहीं है,
ये अपना फाइनल, मतलब एक बुकलेट की तरह बना दिया गया है और इसको आसानी से देखा और समझा जा सकता है। लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।